हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है प्रज्ञाता साइड, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो ये गाइडलाइन है, आप इतना ध्यान रख सकते। ये गाइडलाइन की बात हो रही है, प्रज्ञाता गाइडलाइन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। एक्चुअली MHRD के द्वारा ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं तो किस एज ग्रुप के बच्चों को कितने टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उसके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञाता। तो आप ध्यान रख सकते हैं प्रज्ञाता गाइडलाइन किससे संबंधित है और ये किसने जारी की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये इस समय हॉट टॉपिक है, न्यूज़ में है काफ़ी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो फ्रेंड्स, ये साइन किया है MSME, सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के द्वारा ये साइन किया गया है CBDT के साथ में। तो जो CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये जो भी टैक्स की जानकारी है वो MSME के साथ साझा करेगा। इस MOU का ये मकसद है। तो इसका आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय के द्वारा इसमें MOU साइन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जितने भी वन लाइनर एग्जाम्स हैं होंगे उनमें ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर है, चार्जर का सेंटर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। आपको पता होगा जो फ्रेम योजना है वो भी आपको याद रख सकते हैं। फ्रेम ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है, तो ये योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी फ्रेम। तो फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर जो सेंटर है वो दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पासेस सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा एक नौसेना अभ्यास है ये, तो ये शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये नौसेना अभ्यास है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घर घर राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये योजना लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। दिल्ली में घर घर राशन योजना लागू की गई है और इसके तहत जो डोर टू डोर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको या एलिजिबल लोग हैं उनको घर घर जाकर राशन पहुँचाया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा इंटरनेशनल चेस डे UN के द्वारा अपनाया गया, इससे पहले से भी ये मनाया जा रहा था, लेकिन जो चेस है उसका जो इजाद हुआ है या फिर जो जन्म हुआ है वो भारत में ही हुआ है। इसको चतरंग के नाम से पहले जाना जाता था जो कि बाद में शतरंज हो गया और फिर इंग्लिश में इसको चेस कहा जाने लगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।